ए वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग माय डियर टेंथ क्लास स्टूडेंट्स एज टॉपिक नंबर फोर इन यूनिट वन नाउ वी द चैप्टर नंबर फाइव विजुलाइजिंग द नेशन जैसे कि आपको विजुलाइजिंग वर्ड से ही चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि विजुलाइजिंग नेशन मतलब uh, उस चीज़ को विजुलाइज करना देखना जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं इमेजिनेशन कर सकते हैं तो वही है विजुलाइजेश द नेशन पढ़ेंगे आपके कैसे एक शेप दिया जाता है विजुलाइज कैसे किया जाता है देश के लिए या फिर एक नेशन को बनने में उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ यस्टरडे टेस्ट ओके यस्टरडे टेस्ट मैंने स्टूडेंट्स आर अपसेंट वेरी बैड मुझे नहीं लगता है वो अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत भी सीरियस हैं और जो बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें है, करते हैं उन्होंने तो टेस्ट दिया ही नहीं यस yes, बहुत सारे बच्चे जो कि रेगुलर थे बहुत सारी बातें हो रही थी उन्होंने तो टेस्ट दिया ही नहीं आ, जो जिन लोगों ने बोला सर मैं रेगुलर वर्क कर रहा हूँ ठीक है मान लिया आप रेगुलर वर्क कर रहे हैं फाइव मंथ से कर रहे हैं ये भी मान लिया कर रहे हैं तो जब फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट हुआ आपका क्लास टेस्ट सीटी तो आपने दिया नहीं मैं कैसे मान आप रेगुलर वर्क भी कर रहे हैं आप कहीं थोड़ा बहुत भी अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं हम ऑनलाइन होते हैं तो कितना सीरियस होते हैं आपके लिए आपकी पढ़ाई के लिए इवन विदाउट पेमेंट विदाउट पेमेंट ही कहूँगा मैं हम रेगुलर क्लास भी ले रहे हैं सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं सारी चीज़ें हैं चाहे घर पर रह के अदर वर्क्स को हैंडल करने के बाद इन फाइनेंशियल सिचुएशनस को समझने के बाद जो आपकी स्टडी है उसके लिए चाहे वीडियो मेकिंग हो फिर उसको अपलोडिंग करना हो और उसके बाद सारी चीज़ें शेयर करना हो सब लोगों को इतना आसान लगता है कई लोगों को तो बेटा इतना आसान है नहीं जितना आप समझते हैं एज ए टीचर सबके लिए चैलेंज है हमारे लिए नहीं यी के बहुत सारे टीचर्स के लिए चैलेंज है ये आपने एक टेस्ट नहीं दिया बेटा उस चीज़ का मुझे मतलब आ, मैं थोड़ा सोच के ही हैरान हूँ कि आप टेस्ट में बैठे ही नहीं और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो अटैम्प्ट दे रहे हैं तीन तीन बार अटैम्प्ट व्री बेटा तीन तीन बार अटैम्प्ट क्यों दे रहे हैं आप तो टेस्ट का मतलब ही क्या हुआ आ, कुछ प्रॉब्लम्स आई भी तो मैंने उनको शॉर्ट आउट कर दिया आपको सिर्फ नेम ही फिल करना था उसके बाद ओनली नेम जिन बच्चों ने बोला कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने बोला ठीक है अब आप नेम भर सकते हैं उसको मैंने शॉर्ट आउट कर दिया लेकिन उसके बाद भी टाइम लिमिट समझ में ही नहीं आ रही है क्यों टाइम लिमिट समझ में ही नहीं आ रही है टाइम था आपके पास 20 मिनट्स का आप आधे आधे घंटे बाद सबमिट कर रहे हैं या 25 मिनट का टाइम था आप बहुत देर देर बाद सबमिट कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं उनका टाइम ही नहीं है कुछ भी लॉग इन करने का वो कभी भी दिन में रात में सो के उठते हैं रात में बारह बजे लॉग इन कर देते हैं और उनकी टेस्ट टाइमिंग चल रही होती है वाव ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है आपका उन सभी स्टूडेंटों ने बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस किया है जिन्होंने तीन तीन बार टेस्ट अटैम्प्ट किया है फिर भी जीरो मार्क्स लाएँ रात में बारह बजे लॉग इन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है शाम को पाँच बजे लॉग इन कर रहे हैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स क्योंकि ऐसे बहुत सारे महान स्टूडेंट्स को मेरा कॉन्ग्रेट्स तो जो लोग बहुत से बातें करते रहते हैं कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं पाँच महीने बाद उन्हें याद आ रहा है सर वो थर्टी परसेंट जो सिलेबस कट हुआ है आप मुझे बता दो वो पता नहीं कहाँ सो रहे थे बच्चों को हमेशा लगता है टीचर गुस्सा ना करें नाराज़ ना हो क्यों क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं घर का सारा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक तो उन्होंने अपने सर पर उठा रखा है माँ बाप तो बेचारे उनके हेल्प कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हैं क्योंकि अब शायद मैं किसी बच्चे पे इस तरह से भरोसा कर पाऊँ उन सारे बच्चों को जिन्होंने इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की हैं वर्क ना भेज के भी पहली बात वो होमवर्क भी सेंट नहीं कर रहे हैं बहुत से का कह समझ में नहीं आ रहा बेटा समझ में तुम्हें क्लास में भी नहीं आता था क्योंकि तुम तब भी वहाँ खिड़कियों में उधर झाँकते थे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बिल्कुल भी कोई प्रिपरेशन ढंग से की भी नहीं और ना होमवर्क सेट सेंड कर रहे हैं आजकल और हालांकि बहुत से होशियार बच्चे भी सेंड नहीं कर रहे हैं तो वो आप लोग होमवर्क सेंड करो भी वो ज़रूरी है बेटा आप लोग के लिए लेकिन जो बहुत ही ईडिय डैमफुल और कुछ होते हैं ना हेल्थ स्टूडेंट शिट टाइप वो कभी नहीं सुधरेंगे वो क्लास में भी नहीं सुधर रहे थे ऑनलाइन का बहाना उनके लिए बहाना है सिर्फ कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता जबकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं मोबाइलों में और चीज़ों में बिजी हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरा मैसेज समझ गए होंगे मैं किन के लिए कह रहा हूँ मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जो सिंसियर हैं ये आप मेरी बात हमेशा ध्यान रखें मुझे मालूम है कि मैं किन को कह रहा हूँ और वो लोग मेरी बात समझ रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात थी कुछ ऐसे बच्चे हैं सर मेरा कैमरा ख़राब है मान लीजिए आपका कैमरा ख़राब है बेटा <laughs> लेकिन आप फ़ोटो अपलोड करते हैं स्टेटस पर हर चीज़ पर तो आपका कैमरा ख़राब नहीं होता है और आप टेस्ट भी कंडक्ट नहीं करते हैं टेस्ट में बैठते नहीं टेस्ट कम्प्लीट भी नहीं करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट कंप्लीट भी नहीं किया हो हर चीज़ हंसी मजाक ले रहे हो ना आप लोग जो पी डी वन और पी डी सेकेंड होता है वो मैं बता दूँ आपको उसी के मार्क्स बोर्ड में सेंड होते हैं आपके ट्वेंटी मार्क्स वाले जो बेस्ट होंगे वही जाएंगे तो जब बेस्ट दोगे तभी तो ट्वेंटी में से ट्वेंटी वाले मार्क्स जाएंगे जब बेस्ट ट्वेंटी में से सिक्सटीन या फिफ्टीन रह जाएगा तो कहाँ से तुम्हारी परसेंट बनेगी इडियट्स ओके okay, कोई नहीं आप ना पढ़ो ये आप खुद पे एहसान कीजिए जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते रहेंगे और जो सिंसियर हैं पूछते हैं मैसेज करते हैं कॉल कर लेते हैं उन सभी को बहुत बधाइयाँ जिन बच्चों ने अच्छे परफॉर्मेंस किए इवन जिन्होंने टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया उन सबको भी मेरी तरफ से बधाइयाँ कि उन्होंने कोशिश तो की वो मेरी नज़र में बहुत अच्छे बच्चे हैं ओके थैंक यू नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर ओके वायर इट इज ईज़ी एनफ टू रिप्रेजेंट अ रूर थ्रू अ पोर्ट्रेट ऑन अ स्टेचू कई बार ऐसा लगता है कि हमारे लिए आसान है कि हम रिप्रेजेंट करें एक रूलर को एक पोर्ट्रेट मतलब एक बड़ी सी कोई चित्रकारी वाली पेंटिंग हो उससे या एक स्टैचू से बनती भी हैं एंशियन टाइम में बनती भी आई हैं हाउ डज़ वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन ठीक आपने रूलर को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब एक माध्यम डूना पोर्ट्रेट एक चित्रकारी होती है बेटा एक चित्र बनाना पोर्ट्रेट और स्टैचू स्टैचू बनाने ठीक है लेकिन कैसा हो ऐसा कैसा हो मतलब आपको कैसा लगे या आप क्या सोचें जब हम किसी देश को एक फेज देने की कोशिश करें अब यहाँ फेज देने से समझ में क्या क्या आएगा वही है विजुअल और उसी को लेके बनाया है विजुलाइजिंग द नेशन कि फेज कैसे देंगे Yes क्वेश्चन है ये आर्टिस्ट इन एंड नाइनटीन सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय परसोनीफाइंग अ नेशन जो आर्टिस्ट लोग हैं वो एटीन सेंचुरी में नाइनटीन सेंचुरी में एक रास्ता ढूंढ रहे हैं या एक अपनी एक चित्रकारी की जो कला है उसके सबसे हाईएस्ट पीक लेवल पे जाके एक चीज़ वो परसोनीफाइड करते हैं किसको? एक नेशन को परसोनीफाई करना मतलब नेशन ना तो कोई मदर लैंड होती है ना कोई फादर लैंड होता है लेकिन उन्होंने पर्सोनीफाइट किया जैसे आज हम भारत माता बोलते हैं कैसे किया जरा देखें ये वही कहानियां हैं जब आप देखेंगे कि दुनिया भर में लोग मदर लैंड या फादर लैंड की बात क्यों बोलते हैं ये स्टार्टिंग है उसका इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इट वर पर्सन मतलब वो एक पूरी कंट्री को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि वो कोई एक पर्सन हो कौन कंट्री परसोनीफाइड मतलब समझते हैं आप लोग बेटा परसोनीफाइंग क्या है एक फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में यूज होती है परसोनीफाइंग के किसी भी जीवित सॉरी किसी वस्तु को या किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन एक आ, फीमेल और मेल पर्सन की तरह हम उसको कैटेगराइज करें एक कोई आइडिया हो या तरह की चीज़ उसको हम ये कहें कि ये एज अ इंसान है चांद हमें नहीं मालूम है लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है मान लेते हैं वैसे तो नॉन लिविंग थिंग ही है लेकिन हम उसको ये कहते हैं ये भगवान है तो आपने चांद को क्या कर दिया आपने चांद को बेटा पर्सोनिफाइंग कर दिया मतलब आपने उसको एज अ पर्सन मान लिया ऐसा माना जैसे कि वो एक पर्सन है नेशंस वर दैट पॉइंट पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स तो नेशंस को या राष्ट्र जो होते हैं या कंट्री हैं उनको पोर्ट्रेट किया जाने लगा चित्रकारी के जरिए समझा जाने लगा कैसे एक फीमेल फिगर की तरह मातृभूमि भारत मेरी माता है ऐसे करके अभी यहाँ भारत के लिए यूज़ नहीं हो रहा है मैं आपको एक्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ आप उसको ऐसे समझें द फीमेल फॉर्म देट वॉज चूजिंग टू परसोनीफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ अब है क्या कि जो फीमेल फॉर्म है कि अगर आप चूज़ करेंगे पर्सोनीफाई करना है आपको नेशन को ठीक ये स्टैंड नहीं करती किसी पर्टिकुलर वुमेन को रियल लाइफ में मतलब मान लीजिए ये मैरी एंतोनी सॉरी फ्रांस में जो उनकी आ, जो सबसे ज़्यादा उनको माना मैरी को उनको उन्होंने ऐसे फीमेल फिगर दे दिया ठीक लेकिन ये कोई लाइफ रियल लाइफ में ये वुमेन एग्जिस्ट नहीं करती कोई पर्टिकुलर वुमेन नहीं है जैसे हमारी भारत माता है कोई ऐसी लेडी है नहीं कोई ऐसी महिला है नहीं कोई ऐसी हमारी माँ है नहीं रेदर इट्स शॉर्ट टू गिव द एब्सट्रेक्ट आइडिया ऑफ द नेशन ए कंक्रीट फॉर्म सबसे बड़ी चीज़ इस चीज़ को कैसे शॉर्ट किया गया इस चीज़ को कैसे माना गया रखा गया कि एक आइडिया की तरह कैसा आइडिया एब्सट्रेक्ट आइडिया एब्सट्रेक्ट आइडिया मतलब एक ऐसा भाव एक ऐसा भाव जो मन में है और उसको हमने जीवंत किया मतलब परसोनीफाइंग किया किस चीज़ के लिए कि नेशन को हम एक कंक्रीट फॉर्म कंक्रीट फॉर्म मतलब एक निश्चित नाम एक निश्चित आकार दे सके कंक्रीट हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है ना तो ऐसे ही कंट्री को एज अ सॉलिड स्टेट की तरह देखा जाए जैसे हमने भारत माता को भारत माता बोल दिया पाकिस्तान पाकिस्तान माता नहीं बोलता होगा वो वतन बोलता है अमेरिका या फ्रेंच जर्मन जर्मीनियाँ अभी पढ़ेंगे आप इन चीज़ों के बारे में ओके दैट इज द फीमेल फिगर बिकेन एलोगे ऑफ द नेशन अपने यहाँ वर्ड आया बेटा एलोगीरी अभी न्यू वर्ड्स में आएगा हम आपको बता भी देंगे वैसे तो एलिगरी का ने, नेचुरल फॉर्म ये होता है कि किसी भी आइडिया को एज अ पर्सन मान लेना चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उस चीज़ को मान लेना एलोगे एक प्रतिरूप समझ रहे हैं आप ये देखिए ये मेरियना की स्टाम्प हैटीन फिफ्टी में जो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है और हकीकत में कोई रानी मैरी है थोड़ी ना बट वो फ्रांस के लिए एक एलोगे फॉर्म एक पर्सोनीफाइंग नेचर एज ए नेशन को उसके लिए इस्तेमाल किया गया ओके तो, तो ये इस तरह की जो फीमेल फिगर्स थी बेटा इनको एलोगे ऑफ द नेशन के रूप में क्रिएट किया जाने लगा बहुत पॉपुलर हो गई ये देखिए जर्मेनिया ये जर्मेनिया है जर्मेनिया फिलिप विट एटीन फोर्टी एट द आर्टिस्ट प्रिपेयर दिस पेंटिंग ऑफ जर्मनिया कॉटन बैनर और देखिए आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि जो जर्मनी का आज का फ्लैग है ना वो बेटा यही वाला फ्लैग है ये जो साइन है आई थिंक ये अभी आपको आने वाले पेजेस में मिलेंगे ये तलवार का मतलब भी मिलेगा आपको ये जो ओलिव के पत्ते हैं ये भी मिलेगा और ये जो झंडा है उसका मतलब भी मिलेगा और इसके सिर पे जर्मनिया के जो सर पे मुकुट है उसका मतलब भी मिलेगा ये क्यों ऐसे फिगर्स बनाए गए उन चीज़ों का आपको मतलब समझाया जाएगा यही है विजुलाइजिंग द नेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये

और यहाँ पर रेस्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैं लिखा था एक के हाथ में बीड़ियाँ थी टूटी हुई एक के हाथ में छड़ी थी और उस तरह कई सारी चीज़ें थी तो वो फीमेल लॉ को मतलब कहते ना न्याय की देवी न्याय की देवी क्यों माना गया था और हम बहुत सारे छोटे छोटे डायग्राम थे आपको याद है एक, एक सीरियन कैप थी ब्रोकन चेन थी और एक स्नैक अपनी टेल को खा रहा है वो था मतलब ऐसे कई सारे फिगर देखे थे आपने तो वो फ़ीमेल एलोगोरी वाले जो आइडिया हैं वो बेटा कहाँ से आएँ फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आएँ और आर्टिस्ट उस टाइम उन चीज़ों को यूज़ कर रहे थे आज़ादी के लिए लिबर्टी के लिए न्याय के लिए जस्टिस के लिए एंड रिपब्लिक मतलब गणतंत्र के लिए जहाँ का जो प्रमुख है वो चूज़ किया जाता है ना कि हेरिडेटरी पोस्ट है दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिम्बल्स और इन सारे आइडियल्स को आदर्शों को हमने रिप्रेजेंट किया एक बहुत सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स अपने इंडिया में भी हैं आपने लास्ट टाइम देखा था ना नाइन्थ में एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी आर रेड कैप द ब्रोकन चेन वाइल्ड जस्टिस इज जनरली ब्राइन फोर्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्किल्स आपको याद है ये वेइंग स्किल्स तो आज भी न्याय की देवी अपने हाथ में रखती है ब्रोकन चेन आपको याद है जिसमें स्लेव्स को फ्री माना गया था है ना और रेड कैप थी रेड कैप यानी कि अब हर कोई जो स्लेव्स हैं उनको भी फ्री किया गया है ब्रोकन चेन हम मतलब गुलामी से और मुड़ा से भी आज़ाद हो गए तो एज इन सारे जो चीज़ें हैं गुण हैं एट्रीब्यूट्स हैं खासियत हैं उनको हमने इस तरह से सिम्बोलिक बनाया स्पेसिफिक सिम्बल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरह ओके सिमिलर फीमेल एलोगरीज इन्वेंटेड बाई आर्टिस्ट द नाइनटीन सेंचुरी रिप्रेजेंट द नेशन इस तरह की बहुत सारी फीमेल एलोगेज मतलब ये देखिए ना फीमेल को तो क्रिएट किया गया है पर्सन की तरह वो इन्वेंटेड किए गए आर्टिस्ट के जरिए नाइनटीन सेंचुरी में जिससे कि एक नेशन को रिप्रेजेंट किया जा सके ये सबसे अच्छी लाइन है क्यों किया गया है ये भी क्वेश्चन आता है ये जो ये जो आप लाइन देख रहे हैं एज अ क्वेश्चन यूज भी होती है एक्सप्लेन मतलब सिमिलर फीमेल आर्टिस्ट इन एंड सेंचुरी रिप्रेजेंट नेशन एक्सप्लेन हाउ या हाउ हेल्प दैम इन फ्रांस ही वॉज क्रिश्चन मेरियन ए पॉपुलर क्वेश्चन नेम मैरी uh, कहते हैं कि वो फ्रेंच में uh, जो स्पेलिंग होती है ना कई बार चेंज हो जाती है तो आप प्लीज़ उसी पर ना जाएं क्योंकि जैसे अभी एक मैगजीन है शार्ली एब्डो ठीक इसको शार्ली पढ़ते हैं वहाँ अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ली तो वो फ्रेंच की प्रोनाउंसिएशन की बेटा अपनी एक वो खासियत है तो आप प्लीज़ उस पर ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो सबसे सिंपल सी बात है एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है मैरियन उसको पॉपुलर लेके क्रिश्चियन नेम को अंडरलाइन किया गया कि आइडिया पीपल्स नेशन में और ऊपर जो आपने स्टैम्प देखा था वो मेरियाना फ्रेंच के लिए यूज़ हुआ है फ्रांस में यूज़ हो रहा है किस कौन सा नेम मेरियन अब एक्चुअली एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा जर्मेनिया और मेरियना को लेके चैप्टर के लास्ट में भी है और ये बहुत ज़्यादा आता है कि फीमेल फिगर्स को किस तरह यूज़ किया गया है एज अ क्रिएट या द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन एक्सप्लेन तो आपको दोनों ही ये पैराग्राफ जो है अमेरिका uh, है और ये वाला जर्मिनिया का है आपको यहाँ से इसमें से बेस्ट फाइव और सिक्स लाइन चूज़ करके आंसर लिखना है तो आप देखें इसको यहाँ से यस हर करस्टिक्स वर्ड ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक उसके करेक्टर को इस तरह से गढ़ा गया बनाया गया जैसे कि लिबर्टी और रिपब्लिक के लिए क्या आपको याद है द रेड कैप द ट्रिकलर द कोकेट वो इस तरह की चीज़ें रखी गई स्टैचूज ऑफ़ मेरियन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वेयर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ़ द नेशनल सिंबल ऑफ़ यूनिटी जैसे आज अपने महान लोगों की आप मूर्तियाँ कई बार लगाते हैं भारत माता की मूर्तियाँ भी होती हैं तो स्टैचू मेरियन की भी लगाई गई मेरी की भी लगाई गई पब्लिक स्क्वेयर्स पर ताकि लोगों के जेहन में या दिमाग में रहे कि नेशनल सिम्बल यूनिटी का है हम सब एक ही कंट्री के लोग हैं ये हमारी एज अ मदर लैंड है और किस चीज़ के लिए एंड टू परस्यूट दे टू आइडेंटिफाई उनको इस चीज़ के लिए एहसास दिलाने के लिए और उनकी पहचान के लिए विद उनसे पहचान बनी रहे मेरियन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन ऑन स्टैम्प्स और उसके बाद मेरियन की जो इमेज हैं कॉइन्स पे और स्टैम्प पे भी लगाई गई उनके सम्मान में जैसे हम लोग भी कई बार लगाते हैं जो हमारे पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं उनमें ये सेकेंड हाफ पैराग्राफ है बेटा यहाँ जर्मिनिया की बात की गई देखिए न्यू वर्ड्स में एलोगेरी है इसको आप राइट भी करेंगे सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलोगी ऑफ द जर्मन नेशन अब इसी तरह से एलोगरी जो उसका फॉर्म है नेशन का फीमेल आ, के रूप में वो जर्मन नेशन के लिए बनाया गया जर्मेनिया के थ्रू इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन विजुअल जो दिखाई दे उस रिप्रेजेंटेशन को बनाने के लिए जर्मेनिया वियर्स से क्राउन ऑफ ओक लीव्स ओक लीव्स का क्राउन पहनती हैं जो कि अपना एक अर्थ देता है एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइम कि जिसमें जर्मन जो ओक है वो हीरोइज मतलब बहादुरी श्रेष्ठता उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है यानी कि जर्मेनिया जो है वो कंट्री को हेरोइज़म की तरफ मतलब सॉरी रिप्रेजेंट कर रही है येस yes. एलोगोरी क्या है बेटा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की तरह है चाहे वो ग्रीड एनवी फ्रीडम लिबर्टी किसी तरह की चीज़ें हों जिसको एक्सप्रेस किया जाता है एक पर्सन और थिंग की तरह वो एलोगोरी फॉर्म में आता है एन एलोगोरी स्टोरी हैज़ टू मीनिंग्स वन लिटरल एंड वन सिम्बोलिक अब सिम्बोलिक जैसे इस प्रतिमा की बात की जाए या फोटो की बात की जाए तो सिंबॉलिक क्या है कि सिंबॉलिक ये है कि ये जर्मनिया माता है लिटरली मतलब क्या है जर्मनिया माता से मतलब उन सारी चीज़ों से है जो आप मेरियन और जर्मनिया के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है ये गहरा भाव है उसका ठीक है ये सारी चीज़ें हैं अब आप देख लीजिए सिंबल्स के बारे में ये ये देखिए ये सिंबल हैं सारे ठीक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सिंबल हैं तो जरा यहाँ देखें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन हाँ एक और है पीछे से राइजिंग सन देखिए क्या है इनके मतलब बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए समझने के लिए पूछे भी जाते हैं ब्रोकन चेन है कि आप फ्री हो गए हैं उनका सिग्निफिकेंस ये है और ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल जो कि जर्मनिया के अपने ब्रेस्ट पे इस तरह से ये वियर की हुई है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ के लिए ओके क्राउन जो लीव्स का है वो हीरोइज्म के लिए है सुप्रीमेसी के लिए सोर्ड है वो रेडीनेस टू फाइट कि हम तैयार हैं लड़ने के लिए देश के लिए ओलेव ब्रांच अराउंड द सोर्ड का मतलब है कि हमेशा इच्छा रहती है कि जब तलवार उठे फाइट के लिए तो किसके लिए उठे पीस के लिए ये जो कलर है बेटा आपका ट्रे कलर ये फ्लैग है लिबरल नेशनलिस्ट का एट, 1848 फोर्टी में जब जर्मन बन गया था और इसको बैन किया था ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट ने क्यों क्योंकि जब तक जर्मनी यूनाइट नहीं हुआ था इसको बैन किया गया था तो ये वहीं से बहुत पॉपुलर हो गया था ये और ये आज भी जर्मनी का नेशनल फ्लैग है ये रेज ऑफ राइजिंग सन कहती हैं कि बिगनिंग ऑफ न्यू एरा मतलब एक नए टाइम की शुरुआत हो चुकी है ठीक है ये सारी चीज़ों का अपना सिग्निफिकेंस है ये आप देख सकते हैं द द फॉलन जर्मनिया को दिखाया है कि जर्मेनिया जो है फॉलन है गिर गई है और यानी कि वो नेशन को दिखाया है जब इन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता था तो आर्टिस्ट के uh, लोगों से या नेशन के लोगों से ये कहने की कोशिश करता था कि देश कमज़ोर हो गया है ये जूलियस हैबनर की पेंटिंग है द फॉलन जर्मेनिया एटीन में इसको बनाया गया था तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं छोटी छोटी और ध्यान भी रखने वाली चीज़ ये है कि पेंटिंग्स को कई बार पूछ लिया जाता है लास्ट टाइम पूछा तो नहीं गया है लेकिन आप इसीलिए मैं हर पेंटिंग्स को थोड़ा एक्सप्लेन करता रहता हूँ द फॉल इन जर्मीनिया पेंटिंग का नाम है ये क्रिएटर हैं उसके ये नेम वग़ैरह सारी चीज़ दी हुई होती है ओके देखिए जर्मीनिया ये राइन रिवर है बेटा ये जो रिवर बह रही है राइन रिवर है और ये एज़ अ गार्ड उसको सुरक्षित कर रही है ये जर्मनिया गार्डिंग द राइन राइन एक रिवर है बेटा 1860 में आर्टिस्ट लोरेंस क्लैसन ने इसको पेंटिंग को बनाया था इंस्क्रिप्शन ऑन द जर्मिनियन स्वर्ड रीड मतलब उसकी तलवार पे या जो ये है ये क्या लिखा है द जर्मन स्वर्ड प्रोटेक्ट द जर्मन राइन के जो जर्मन ही तलवार है वो जर्मन राइन रिवर को प्रोटेक्ट कर रही है अब नदी को प्रोटेक्ट करने का मतलब नदी एक नेचुरल रिसोर्स है एक जीवनदायनी होती है नदियाँ पूरी किसी भी कंट्री के लिए आप बिजली बनाते हैं उन्हीं से पानी से हम जीवित हैं वाटर लेवल बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ एनिमल सारी चीज़ ज़िंदा है तो एक नदी को प्रोटेक्ट करना मतलब इसी कंट्री के रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना तो वो जर्मीनिया को एज आ मतलब मदर दिखा रहे हैं जो अपनी कंट्री को सेफ कर रही है गार्ड कर रही है ओके okay. ये इन चीज़ों का मीनिंग है जर्मिनिया गार्डिंग द राइन मुझे लगता है इसमें कई सारी चीज़ें कम कर दी हैं चैप्टर का तो दी एंड भी हो गया मुझे लगा आगे भी बहुत सारी चीज़ें ओके नो प्रॉब्लम कल के लिए मैं सोच रहा हूँ आपका एक अगेन एक क्लास टेस्ट लिया जाए कल सैटरडे और सटरडे या संडे में से एक दिन तो आप एक काम करें मैं टेस्ट सैटरडे को लूँ या संडे को आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताएं मैसेज भी जितने लोग जिस फेवर में बोलेंगे मैं उसी दिन टेस्ट लूँगा आपका मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को मैं एक टेस्ट लेना चाह रहा हूँ बेटा कि वो सैटरडे को हो या संडे को हो आ, आप मुझे बताएंगे आप बताओ सॉरी बताओ और बताना कैसे है आपको मैसेज करना है मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए कि मैं चूज कर सकूँ कि सैटरडे को टेस्ट लूँ या संडे को ठीक आप जिस के अकॉर्डिंग जो बच्चे ज़्यादा जिस दिन को बोल देंगे उसी दिन टेस्ट लेंगे एज जैसे पिछला आपका टेस्ट था वैसा ही हुआ था वैसे ही कर लेंगे और जो सिलेबस होगा वो आप सुन लीजिए इस बार हम जोग्राफी में फ़र्स्ट और इकोनॉमिक्स में फ़र्स्ट चैप्टर देंगे जोग्राफी में फ़र्स्ट चैप्टर जोग्राफी में फर्स्ट चैप्टर सिविक्स में सॉरी 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 ईको ईको जोग्राफी फर्स्ट ईको फर्स्ट मैं अगेन लिख के बता देता हूँ बेटा जोग्राफी में फर्स्ट चैप्टर और इको में फर्स्ट चैप्टर डे आप डिसाइड करके मुझे बता दें सैटरडे और संडे कुछ भी नहीं है ट्वेंटी फाइव मिनट्स ही तो देने हैं आपको एज अ सटेबल जो आपको लगे जो आपके सुटेबल लगे टाइम सूटेबल टाइम वो आप मुझे डिसाइड करके बता दें ठीक सैटरडे और संडे मैसेज में प्लीज़ मैसेज करें आप मुझे व्हाट्सएप ठीक है ओके क्लास थैंक यू हैव अइसडे